हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। लंबे समय के इंतजार के बाद प्रोड्यूसर रितेश सिंधवानी ने फाइनली कंफर्म किया कि शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर मूवी डॉन का तीसरा पार्ट बनेगा। रितेश और डायरेक्टर फरहान अख्तर इस समय फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। इस बीच ये खबर आई है कि शाहरुख खान डॉन 3 का हिस्सा नहीं होंगे। अब लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि मेकर्स ने रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया है, यानी अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के बाद अब रणवीर सिंह बनेंगे बॉलीवुड के नए डॉन। हाल ही में खबर सामने आई थी कि शाहरुख खान ने डॉन 3 से खुद को बाहर कर लिया, क्योंकि अभी वो कमर्शियल मूवीज पर ध्यान देना चाहते हैं। उनके पास जवान के अलावा टाइगर वर्सेज पठान और डंकी जैसी मूवीज हैं। उधर ये भी कहा जा रहा है कि फरहान डॉन की रिबूट कर रहे हैं, यानी सिर्फ टाइटल पुराना होगा, बाकी कहानी एकदम नई होगी। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को डॉन 3 में लाने की प्लानिंग थी और दोनों मिलकर किसी तीसरे एक्टर को बतौर डॉन इंट्रोड्यूस करते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाहरुख को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए वो खुद ही आउट हो गए। शाहरुख खान के बाहर निकलने के बाद डॉन 3 के मेकर्स एक सूटेबल डिस्प्लेसमेंट की तलाश में थे, जो डॉन की विरासत को आगे लेकर जा सके और इस किरदार के साथ न्याय कर सके। रणवीर एक्सल एंटरटेनमेंट के पसंदीदा रहे। ये भी कहा जा रहा है कि निर्माता रणवीर सिंह के साथ डॉन 3 के अनाउंसमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन वीडियो के लिए पहले ही शूटिंग हो चुकी है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को भी जानकारी दी गई कि रणवीर सिंह नए डॉन है। अमिताभ बच्चन की डॉन मूवी साल 1978 में रिलीज हुई थी, फिर 2006 में शाहरुख खान की रीमेक लेकर आए। इसका दूसरा पार्ट 2011 में रिलीज हुआ। फिल्म में शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा भी थी। दोनों पार्ट को फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।